अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के साथ सब। मेरा नाम है अब्रार और आप देख रहे हैं टेक्नो अब्रार। दोस्तों हाँ, मैंने इंस्टॉल कर लिया है MIUI 10.2 को, जो है ग्लोबल स्टेबल अपडेट है। दोस्तों इसमें मैं आपको सारे जवाब देने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। लोग कह रहे ये सस्पेंड हो गया। मैंने 2 दिन पहले इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन ये स्टेबल वर्जन है, यानी 15-20 दिनों तक अपडेट नहीं आया था। इसलिए मैंने सोचा कि इसके परफॉर्मेंस के भी वीडियो बनता है, अभी बैटरी लाइफ कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है 0.2 में। तो मैंने सोचा कि 2 दिन बाद बनाऊंगा वीडियो, और आज मैंने 2 दिन पूरे कर लिए। मैंने सारे परफॉर्मेंस ट्राई किया, पबजी खेला, बहुत ही मज़ा आया। इसमें आपको बैलेंस मोड में लेकिन पबजी खेलना पड़ता है। मैंने ये कह दिया, पहले पबजी की बात मैंने कर दी। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कुछ हमें नया मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कैमरा में और देखते हैं आपको क्या कोई क्या नया मिलता है। तो आपको AI मोड अभी भी नहीं मिला, मुझे लगता है पहले आपको बीटा में ही मिलेगा। AI और 4K रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिलती, लेकिन 60 FPS पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मुझे लगता है दोस्तों अपडेट हमें बीटा में सबसे पहले AI का मिलेगा। चलिए हम बैटरी में चलते हैं और बैटरी लाइफ कैसी है इसके आपको दिखा देता हूँ। तो हम देखे थे अभी 20% है, और यहाँ पे बैटरी सेवर भी आपको कंप्लीट काम कर रहा है। बैटरी यूज में देख लेते हैं मैंने कितना यूज़ किया है बैटरी को, यहाँ पे दिखा रहा है सब कुछ। और देख सकते हैं यहाँ पे लेट नाइट में हमें थोड़ी बैटरी ड्रेन हो रही है। जी हाँ, थोड़ी सी हो रही है, बस ज़्यादा नहीं हो रही। बैटरी कंप्लीट चल रही है, बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको डुअल वोल्टेज काम कर रहा है, वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ काम कर रहा है। तो चलिए हम इसके व्हाट्स न्यू में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रिस्टोर अन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अपीयर्ड आफ्टर डबल टैप और रिस्टोर ओपनिंग कैमरा रिबूट द डिवाइस। ये दोनों प्रॉब्लम आ रही थी, इसे फिक्स किया गया है कि यानी अपीयर हो जाए, जो नोटिफिकेशन थी अब चली जाती थी 2 डबल टैप के बाद, उसे फिक्स किया गया। रिस्टोर ओपनिंग कैमरा, इसमें थोड़ी कैमरा में प्रॉब्लम थी, इसे फिक्स किया गया। मुझे नहीं मिली थी 0.1 में अपडेट, तो पता नहीं क्या है। सब कुछ दोस्तों काम कर रहा है, कोई भी इसमें नया फीचर नहीं मिल जाता। सिर्फ आपको कैमरा में 60 FPS 1080p पर मिलता है, वही आपको मिलता है, दूसरा कुछ भी नहीं मिलता। हम अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपडेट बहुत सारे लोगों को मिला था और लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने अपडेट और फिर गायब हो गया। तो शियामी की एक पॉलिसी है, वो थोड़े देर इस अपडेट को ओपन रखती है, आधे से 1 घंटे तक कभी भी डिसअपियर हो जाता है, आधे घंटे बाद कभी भी ये खींच लेते हैं वापस। जिन्होंने अपडेट कर लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो उनको अपडेट सस्पेंड नहीं हुआ, वो खींच लेते हैं जानबूझकर। थोड़े लोग भी 2.2 में अपडेट कर लिया, तो दोस्तों वो लोग चाहते हैं कि दोस्तों हम चेक करें कि इसमें क्या कोई बग है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी लाइफ कैसी है, वो चेक करने के लिए कुछ लोग अपडेट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो कर पाते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते उन्हें नहीं मिलता। तो अपडेट आपको समझ गए होंगे कि क्यों नहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये थोड़े जो लोग अपडेट करते हैं वो उनको फीडबैक देना होता है। दोस्तों जो फीडबैक देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपको यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है नीचे। यहाँ पे आपको इशू या सजेशन देना चाहिए, इमेज ऐड करना चाहिए और इसे भेज दीजिए। आप आइटम सिलेक्ट कर लीजिए कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन नंबर या आपका ईमेल डाल दीजिए, फिर उस इशू को स्वामी वाले देखते हैं और 0.2 में वो सुधार करते हैं। और जो अगर बहुत बड़ा इशू होता है तो 0.2 में ही ये सुधार देते हैं और जल्दी से अपडेट रिलीज़ कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सारे डिवाइसेस में बग्स ना आए और उसे जल्दी से फिक्स कर ले, ताकि कोई 2-3 लोग टेस्ट करें, 2-3 हज़ार लोग और टेस्ट करके हमें बताए कोई बग है तो वो कंप्लीट कर दें। उस हिसाब से स्वामी अपडेट को आधे 1 घंटे तक ही रखता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपडेट, मैं कह रहा हूँ कर लीजिए 0.2 में अपडेट, अगर आपको नहीं मिला था तो आप अगर 0.1 पे है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए OTA और जाइए आप सिस्टम अपडेट में और चूज़ अपडेट पैकेज में, और वो अपडेट आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका OTA अपडेट है। और अगर आप दूसरी MIUI 9 पर है या फिर बीटा में है तो आपको फुल रोम डाउनलोड करनी होगी, उसके लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो
यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।